हेलो दोस्तों, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपका पार्टनर किसी और से बात करने लगे तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को अपने रिलेशनशिप में फेस करनी पड़ती है कि उनका पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, उनको अपने पार्टनर को छोड़ के वो किसी और से बात कर रही है या किसी और से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, क्या करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बता रही हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक काम जो करना है वो है कि आपको अपने बारे में देखना है कि आपके और उस लड़की के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर वो लड़की किसी और से बात कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट आप में नहीं है, या उसका नेचर ही ऐसा है कि आपके एक साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो किसी और से बात करने लगी है, कि उसका ध्यान किसी और की तरफ है, वो दूसरों में इंटरेस्ट ले रही है, तो इट मींस कि उसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। वहाँ पे वो एक तरह से अट्रैक्शन और इंटरेस्ट के बेस पे वो किसी और के पास जा रही है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके लिए अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत, क्योंकि ऐसे रिलेशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता जहाँ पर आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड ना हो या वो आपसे प्यार ना करती हो। क्योंकि देखो, अगर आप उसे फोर्सफुली इमोशंस में आके अगर आप उससे वापस लेके भी आ जाते हो, तो यहाँ पे क्या है कि आप अपनी लाइफ खुद ख़राब करोगे, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रह के आप खुद परेशान होगे। बेशक वो आपसे 1 महीना 2 महीने रिलेशनशिप कंटिन्यू कर लेगी, लेकिन बाद में फिर से वो आपको छोड़ सकती है, ठीक है, फिर से किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तो इससे बेटर है कि आप सबसे पहले ये सोचो कि आपके रिश्ते के लिए या आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आइए जानते हैं कि आपको और आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला काम जो है, आपको रीज़न जानना है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है तो देखो किस वजह से बात कर रही है। देखो, कई बार क्या नॉर्मली बात होने लगती है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल बात कर रही है तो ठीक है, बट क्या है, अगर वो किसी और वजह से बात कर रही है, जैसे कि आपने उसको कुछ बोल दिया है या आपसे कुछ गलती हो गई है, आपकी कोई बात उसे बुरी लग गई है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, उसका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ये ढूंढना है कि रीज़न क्या है, और रीज़न जानने के बाद आपको दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलत फहमियाँ हैं, वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप उसे सॉरी बोल सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा सॉरी नहीं बोलना, एक बार दो बार बोल दिया ठीक है, बट ज़्यादा उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। इसे अगर आप ज़्यादा ही गिड़गिड़ाने लगोगे तो उसे ये लगने लगेगा कि एक तरह से वो आप एक तरह से उस पर निर्भर हो, ठीक है, उसके बगैर आप जी ही नहीं पा रहे, ठीक है, आपकी लाइफ ही की, आपकी ज़िंदगी की कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक दो बार आपने बोल दिया ठीक है, अगर लेकिन वो फिर भी आपसे आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, आपके पास नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट जो ये करना है कि आपको उसे इग्नोर करना है या उसे कुछ भी नहीं बोलना है, जैसे कॉल या मैसेज नहीं करने है, खुद पर कंट्रोल करना है, इमोशंस को काबू करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मोस्टली जो है लड़के अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लड़कियों में काफ़ी पेशेंस होता है कि अगर वो किसी को इग्नोर करना चाहती है ना, तो वो इग्नोर कर देंगी, ठीक है, खुद पर काबू कर लेंगी, ठीक है, पेशेंस रख लेंगी, लेकिन लड़के ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगर उनकी पार्टनर से बात नहीं कर रही है तो क्या है, बार बार मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कहाँ हो, क्यों बात नहीं कर रही हो, ये चीज़ नॉर्मली लड़कों के अंदर होती है। तो यहाँ पे अपने पेशेंस, अपने इमोशंस पे आपको काबू रखने की ज़रूरत है, ठीक है, उसे इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, एक तरह से बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जाने से क्या है कि जब आप ऐसा करोगे तो इससे उसके मन में भी ये आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, या आपसे बात नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास खुद वापस आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ अपना सकते हो जब आपका पार्टनर किसी और से बात करने लगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका पार्टनर किसी और से बात करता है या किसी और से बात करने लगे तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।